प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं। लगभग 25 घंटे प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल सहित काशी की जनता को लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देंगे। लगभग 37 परियोजनाएं हैं, जिसमें से कुल 23 परियोजनाओं का लोकार्पण व 14 परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। हमारी मौजूदगी इस समय बनारस के सबसे खूबसूरत घाट, जो खिड़किया घाट, जिसे नमो घाट कहा जाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ है। सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार घाटों में से शुमार है खिड़किया घाट, जिसे नमो घाट कहा जाता है। यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि तीनों वायु, थल, जल संगम है, लेकिन सबसे खास बात इस बार का है कि यहाँ पर काशी तमिल संगम का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, खुद उद्घाटन करेंगे और तमाम जो मेहमान डेलीगेट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको काशी की परंपराओं को बताएंगे, अवगत कराएंगे और तमिल की परंपराओं को एक दूसरे से साझा करेंगे। तो हमारे पीछे जो पंडाल आप देख पा रहे होंगे, ये पंडाल वही है जहाँ पर जो तमिल से आए हुए मेहमानों को यहाँ पर रोका जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोधित करेंगे। लगभग 1400 डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। कुल 7 भागों में बांटा गया है। 7ों का जो नाम है वो नदी से जोड़कर नाम रखा गया है, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, ये तमाम इस तरीके के जो नाम हैं, जो नदियाँ हैं उनसे जोड़कर उन 7ों डेलीगेट्स के जो टीम है उनका नाम रखा गया है। बेहद खास कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा के लिहाज से लगभग 37 IPS को जिम्मेदारी सौंपी गई है और लगभग 2200 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और साथ ही साथ 10 PSC कंपनियां लगाई गई और साथ ही साथ 5 पैरामिलिट्री की टीम लगाई गई है। इसके अलावा NDRF, जल पुलिस, ये तमाम टीमें लगाई गई है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस में आते हैं तो बनारस की जनता को एक बड़ा तोहफा देकर जाते हैं और बनारस की जनता ललायत भी रहती है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उनके बातों को सुनने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत करने के लिए। तो बेहद खास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है जो बेहद ही खास है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।
खुला है या बंद है? Thank you.